पुरानी कहावत है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, और अगर आपका बेटा लायक निकले तो फिर बाप का और पूरे खानदान का नाम भी रोशन करता है। और स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, ऐसी एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें किसी कंपनी ने एक कंपनी बनाई, उसमें पैसा लगाया और उस कंपनी को चलाया, अच्छा कारोबार किया, वेल्थ बनी, तो जाहिर सी बात है जिसने इस कंपनी को बनाया उसको भी बड़ा फायदा होगा। और फायदा हो सकता है जो कंपनी बच्चे वाली कंपनी है उस कंपनी से ज्यादा बाप वाली कंपनी को फायदा हो, यानी कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। आज इसी कॉन्सेप्ट पर होगी रिसर्च गुरुकुल, और हर एपिसोड की तरह रिसर्च गुरुकुल के हमारे गुरु वरिंदर बंसल हमारे साथ हैं, पेंटोमैथ फंड मैनेजर्स LLP के फंड मैनेजर, एक के बाद एक धुआंधार रिसर्च करने के लिए जाने माने जाते हैं। वरिंदर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आज हमने सोचा कि क्यों ना स्टॉक मार्केट में बाप बेटे के कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझाया जाए, क्योंकि हर बार सुनने में आता है होल्डिंग कंपनी, मेरे दिमाग में कभी ऐसा आएगा भी नहीं, सीरियसली सर। लेकिन हाँ, आज हम होल्डिंग कंपनियों के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे कि होल्डिंग कंपनियां क्या होती है, क्यों होती है, उनमें पैसा लगाएं ना लगाएं, लगाएं तो उसका वैल्यूएशन कैसे करें, और कौन सी होल्डिंग कंपनियां अच्छी है, कौन सी खराब है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, राइट, और हर काली चीज कोयला नहीं होता। तो आपकी आसानी के लिए हम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी को दो नाम दे देते हैं। होल्डिंग कंपनी मतलब बाप कंपनी और सब्सिडी कंपनी मतलब बच्चा कंपनी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आज के माहौल में मैं क्यों सब्सिडी या बच्चा कंपनी में पैसा ना लगाऊं, क्यों होल्डिंग कंपनी या बाप कंपनी में पैसा लगाऊं, उसकी वजह क्या है? सो एक ही वजह है कि उसमें आपको डेल्टा ज्यादा मिलेगा, आपको कमाई का मौका ज्यादा मिलेगा। जैसे कोई एग्जांपल देता, लास्ट 5 साल में अगर आप देखोगे तो ये होल्डिंग कंपनी के सिर्फ एग्जांपल्स है। ब्रिटानिया 600% बढ़ा, पर उसका जो बाप कंपनी है BBTC वो 1070% बढ़ा। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन BBTC SRF 570% बढ़ा। कामा होल्डिंग जो उसका होल्डिंग कंपनी है 1100% बढ़ा, डबल से ज्यादा। ओके, उसी तरीके से भारत फोर्ज और उसका जो बाप कंपनी है कल्याणी इन्वेस्टमेंट, उसी तरीके से UPL और UPL का जो बाप कंपनी है यूनिफोर्स एंटरप्राइज, उस तरीके से बढ़ा। अच्छा, तो आपको जो पैसे की कमाई है उसमें होल्डिंग कंपनी में बहुत बार ज्यादा होती है बच्चा कंपनी से। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। जो लोग UPL और भारत फोर्ज और ब्रिटानिया और SRF से बाहर ही नहीं निकलते, बाहर की दुनिया नहीं देखते, उनके लिए भी एक बड़ी दुनिया है सर। वो होल्डिंग कंपनी ना, वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना जिनको 500,000-2,000 करोड़ रुपए डालना होता है ब्रिटानिया में, यू नो, UPL में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बट जो रिटेल इन्वेस्टर होता है या छोटा है, मेरे जैसा इन्वेस्टर होता है, फंड मैनेजर होता है, तो उसको क्या होता है कि ये सारी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है जहां पे हमारा पैसा ज्यादा बन सके और हमारा टिकट साइज कम हो। अच्छा, तो अभी पहले मुझे ना ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाइए होल्डिंग कंपनी वाला। होल्डिंग कंपनी एक्चुअली है क्या? होल्डिंग कंपनी कुछ नहीं है सर। होल्डिंग कंपनी है कि जो बाप है इन अ वे कि जिसके पास शेयर है बच्चा कंपनीज के, और वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है जो प्योर होल्डिंग कंपनीज है, प्योर होल्डिंग कंपनी, उसका कुछ काम ही नहीं है, उसके पास सिर्फ स्टेक पड़ा है उन कंपनीज का और उसका कुछ काम नहीं है, तो जिसको कई बार NBFC भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसका काम है और कुछ नहीं है। दूसरा है कि उसका खुद का भी बिजनेस है, स्टैंड लोन बिजनेस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो हम होल्डिंग कंपनी को दो हिस्सों में। अच्छा, दोनों तरह से हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो प्योर होल्डिंग कंपनी, प्योर होल्डिंग कंपनी जो खाली किसी दूसरी कंपनियों के शेयर अपने पास रखती है, ग्रुप कंपनियों के, और दूसरी है कि जो ग्रुप कंपनियों के शेयर तो रखती है, खुद अपना भी काम करते हैं। ओके, तो इन दोनों कंपनियों को हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल सही है। ओके, तो ये होल्डिंग कंपनियों के दो तरीके हो गए, एक आपकी प्योर होल्डिंग कंपनी। अच्छा, कुछ प्योर होल्डिंग कंपनियों के आप एग्जांपल मुझे बताइए कि किस तरह की कंपनी है जिन्हें हम प्योर होल्डिंग कंपनी मान सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैं, यू नो, ये हमेशा बोलते हैं कि जब बुल मार्केट होता है ना, तब होल्डिंग कंपनीज वापस आती है, तब लोग पैसा लगाते हैं, पहले लगाते नहीं है। मैं तभी बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी सोचता है कि इंडिया अगले 2-5 साल में इस तरीके से तेजी रहेगा, तो ये आपको प्राइस ढूंढना है लगाने का। अगर आपको सही प्राइस मिल जाता है, सही डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप इसमें पैसा लगाइए। सी फॉर एग्जाम्पल, जो आप हो, आप हो बच्चा कंपनी, ठीक है, मैं हूँ बाप कंपनी, ठीक है। बच्चा कंपनी का मार्केट कैप है 1000 करोड़, मेरा मार्केट कैप 1000 करोड़, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है ना, और मेरा 100 करोड़ है, क्या बात है, 90% डिस्काउंट में चल रहा है। अगर मुझे पता है कि हाँ भी आप अनिल सिंह भी, ठीक है ना, अगले 3 साल में 20% के अगर ग्रो करोगे, करते रहोगे, आपका 1500 करोड़ मार्केट कैप हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ आपके साथ साथ चलना है, राइट। और अगर वो डिस्काउंट जो 90% है आज की डेट में 20% हो जाएगा, तो मेरा वैल्यू 300 करोड़ हो जाएगा। ओके, कैसे, एक मिनट समझिए, अभी 90% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है
होल्डिंग कंपनी, यानी कि आप 90, मेरा मार्केट कैप 1000 करोड़ है, आपका 100 करोड़ है, आप 90% नीचे, मैं 3 साल बाद 1500 करोड़ का मार्केट कैप वाला हो जाऊंगा सिर्फ 20% कैगर के साथ। तो आप क्या हो जाओगे? तो मेरा जो मार्केट कैप अगर डिस्काउंट 90% से 20% आ गया तो 70% आ गया, 20% कम हो गया, 90% से 80% आ गया, 80% आ गया, 10% भी, तो मैं 20% वैल्यू ले रहा हूँ ना, 1500 करोड़ का 20% वैल्यू, मतलब 300 करोड़, तो आप कितना बढ़े, 50% और आप 3 गुना हो जाओगे। ये कॉन्सेप्ट है। ओ, और अगर आप बोलो वरिंदर यार 90% 80% क्यों, 85%, आप बोलो 90%, तो आज की डेट में जो एवरेज है, एवरेज है वो 60-70% के हिसाब से ऑन एन एवरेज डिस्काउंट मिलता है मार्केट में आज। मतलब इसका मतलब ये कि जो भी बाप कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, वो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे 60-70% डिस्काउंट पर तो ट्रेड करती है। ये तो गिवन, ये तो इंडस्ट्री का नियम है, ये तो बाजार का नियम है। यस सर, अगर ये डिस्काउंट बढ़ गया बिल्कुल 80-85-90-95%, तो आपको सोचना चाहिए क्या सही भाव आ गया है। बिल्कुल सही है। जब सही भाव आ गया या नहीं आया वो ये देखना कि बच्चा कंपनी आगे बढ़िया काम करेगी नहीं करेगी, ये देखना। बिल्कुल सही है, ठीक है, अब समझ गए। अब मेरे यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। अब आगे बताइए। बिल्कुल, तो हमने क्या किया है शो में, होल्डिंग कंपनीज को भी दो तरीके से डिवाइड किया है। एक तो है जो प्योर होल्डिंग कंपनीज है, एक है जिनका स्टैंड लोन बिजनेस भी है, ठीक है। तो प्योर होल्डिंग कंपनीज में कुछ नहीं देखने का, इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट देखने का सबसे पहले, डिस्काउंट के बाद अंडरलाइंग देखने का। अंडरलाइंग मतलब जिस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया, जो बच्चा कंपनी, जो बच्चा कंपनी है, जो बच्चा कंपनी बहुत जरूरी है। और ये भी देखने का कि उसका जो होल्डिंग है कैसा है, कैसा मतलब, कैसा मतलब कि क्लीन होल्डिंग होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी कंपनी में उनका होल्डिंग 50% से ऊपर है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर 70% से ऊपर है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, अगर उनका क्लीन होल्डिंग नहीं है, जैसे कि ग्रुप होते हैं, ग्रुप में 4-5 तो होती है, तो उसमें से फिर भी थोड़ा सा यू नो वो ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज उसमें कभी वैल्यू बनता नहीं है। तो मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे के सारे लिस्ट आपके यू नो स्क्रीन में आ रही है, तो आप देखोगे कि जो कंपनीज है सारी की सारी आज की डेट में 40% से लेके 83% तक डिस्काउंट चल रहा है इनका। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कंपनी 70-80% पे है, बहुत सारी कंपनीज जो है आज के डेट में भी 40-50% पे भी है, और कुछ कंपनीज है जो 83% डिस्काउंट में भी है। ओके, बट सिर्फ डिस्काउंट लेके देख के मत बनो, आगे मत बढ़ो, बहुत चीजें और देखनी होती है उसमें। जैसे कल्याणी, नालवासन, जुआरी ग्लोबल, पिलानी, ये 4 कंपनीज हैं जिनका डिस्काउंट 75% से ऊपर है। ओके, तो हमने भारी डिस्काउंट पे है। मैंने एक एक कंपनी को जल्दी जल्दी से यू नो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से मैं बोल देता हूँ। पिलानी इन्वेस्टमेंट है, बिरला ग्रुप कंपनी है। तो इसमें क्या, पहले प्रमोटर एंटिटी देखो, प्रमोटर एंटिटी 57% स्टेक है, और इसमें भी प्रमोटर में क्या थोड़ा खिचड़ी है, क्योंकि इनमें अलग अलग ग्रुप्स हैं, लोधा भी है, उनका भी होल्डिंग है, किस तरीके से है वो डिफाइन होगा कि नहीं होगा आगे जाके, तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आज की डेट पे जो डिस्काउंट है वो 76% पे पिलानी मिल रहा है। उसकी वजह है कि एक तो इनके पास मेजर इन्वेस्टमेंट है वो सेंचुरी टेक्सटाइल में, हाँ, फिर आपको ये देखना है ग्रासिम में, फिर आपको देखना है कि अगर आज आपको वो कंपनी 1800 करोड़ में मिल रही है एंटरप्राइज वैल्यू, जो हमने लास्ट टाइम बात किया था, तो उसका वैल्यू है 7000 करोड़। 7000 करोड़ में आप बेट किस पे कर रहे हो, बच्चा कौन है, बच्चा कौन है, सेंचुरी है, सेंचुरी में 40% होल्डिंग है इसकी, यानी कि 3000 करोड़ का सेंचुरी है, 3000 करोड़ का सेंचुरी है, कुछ 2000 करोड़ का ग्रासिम है, ठीक है। सो अगर आप सेंचुरी पे, अगर आप ग्रासिम पे बुलिश हो, तो ये पिलानी पे भी बुलिश हो, एक एक तरीका हो सकता है भाया, ताकि आप पिलानी पे फोकस कर सकते हो। अगर मुझे सेंचुरी और ग्रासिम में उतना दम ना दिखे तो फिर मैं पिलानी क्यों लूं? नो, मत लो। बिल्कुल मत लो, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आपको सेंचुरी और ग्रासिम पे नहीं है, बिकॉज सेंचुरी में भी सीमेंट बिक गया है, अगर आप इन्वेस्टर बोलते हो कि नहीं मैं तो अल्ट्राटेक पे बुलिश हूं ज्यादा, अल्ट्राटेक तो इसमें नहीं है, अल्ट्राटेक कम है, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट जो है, बच्चा जो है, बहुत जरूरी देखना है, समझना है कि वो अंडरलाइन क्या है। पहला लेसन मुझे ये मिल गया, सबसे जरूरी, कि अल्टीमेटली जो होल्डिंग कंपनी है, बाप कंपनी है, उन्होंने किन कंपनियों में पैसा लगाया और कितना कितना लगाया। बिल्कुल, तो जहां जिन कंपनियों में पैसा लगाया है, पहली बात तो ये कि क्या वो कंपनियां अच्छा करेगी, बिल्कुल उस पर आपको बोलना है, ठीक है। तो ये पिलानी मुझे समझ में आया कि आपके कहने का मतलब है कि अलग अलग। और इसमें एक और चीज जरूरी है सर, कि इनको क्या, इनको डिविडेंड आता है, क्योंकि इनका प्योर होल्डिंग कंपनी था, डिविडेंड आता है इनको, ये कंपनी पिलानी को डिविडेंड आएगा, सेंचुरी से आएगा, ग्रासिम से आएगा, अल्ट्राटेक से आएगा। आपको ये चेक करना है कि ये उस पैसे का करती क्या है, डिविडेंड की जो कमाई हो रही है। हाँ, क्योंकि मेरा काम तो कुछ है ही नहीं, और तो डिविडेंड की कमाई का क्या करेंगे, या तो वापस इन्वेस्ट करेंगे, या पैसा ये भी डिविडेंड मार देंगे। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। या फिर कुछ और भी ग्रुप कंपनीज को दे सकती हैं। अच्छा। तो अभी ये देखने का है। अभी इसके में लास्ट 5 साल में कुछ 222 करोड़ का डिविडेंड आया इसको, और इसने 286 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड दिया इसने।
सो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है उस पैसे का, बिकॉज इसका काम धंधा तो कुछ नहीं है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो उसमें ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड देती है आगे, जो ठीक है, बाकी विच इज अ गुड पॉइंट। तो यानी कि डिविडेंड दे रही है मतलब अच्छा है, होल्डिंग कंपनी से डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है देखना बहुत, पैसा खराब नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी बात चाहिए कि जो डिविडेंड आया मानो चले कि कहीं और डाल रही है पैसा, उसी से सावधान होना चाहिए। समझिए, ठीक बात है। अगला हमने कल्याणी इन्वेस्टमेंट लिया, और ये बाबा कल्याणी ग्रुप भारत फौज यूरोपीय कंपनी है। इसका अभी मार्केट प्रमोटर होल्डिंग 73.5 है। ये अकेली होल्डिंग कंपनी है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज्यादा है। सात, मैंने बोला 50-75 की तो लिमिट ही है, उससे ज्यादा आप रख नहीं सकते। 700 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी इसमें 4,000 करोड़ के एसेट्स पड़े हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारत फौज है 3300 करोड़ का। 3300 करोड़ का, बाकी 80% जो है वो आपे। तो अगर बाकी इसमें क्या, उसमें तो दो थे, उसमें तो सेंचुरी था और ग्रासिम था, और ग्रासिम भी होल्डिंग कंपनी है। इसमें तो आपको सिंपल देखने का, अगर आप भारत फौज में बुलिश हो, क्योंकि सब ऑलमोस्ट भारत फौजी है इसमें, तो आपको क्या कि ये कंपनी लेने के लिए लेनी, इसके वाया आज डिस्काउंट कुछ 80-82% का डिस्काउंट है, वो भी भारी पर कम है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। तो अगर भारत फौज बढ़ेगा, लेकिन एक और पैरामीटर जो आपने बताया बिल्कुल कि डिविडेंड, जो डिविडेंड की इनको कमाई आती है उसका ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं सर, इनको डिविडेंड 5 साल में मिला था कुछ 88 करोड़, ये डिविडेंड देते नहीं है वापस, ये रीइन्वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, स्टेक बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, और इन्वेस्ट भी करते रहते हैं मार्केट में। अकेली कंपनी है मेरे ख्याल में जिनका लास्ट 2 साल में 68% से 68.5% से 73.5% इसका प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा है। ओके, बढ़ा है, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छा है। अल्टीमेटली पैसा आपको देखना, आप अंडरलाइंग किस पे जा रहे हो। अगर भारत फौज लगता है आपको 3-4 साल में भैया डबल हो सकता है, उसका ग्रोथ आएगा, तो ये कंपनी जो है ये आपको सेफ एंड सिक्योर द्राविड जैसा प्ले रही है। ये ऐसा नहीं होगा मल्टीपैकर बन जाएगा, मल्टीपैकर तभी बनेगा अगर ये अनवाइंड हो जाएगा सारा कुछ। अगर वो बोलेंगे भैया मैं सबको खत्म कर रहा हूँ, तब आपको पूरा का पूरा वैल्यू मिलेगा। ये थोड़ा सवाल शायद इररिलेवेंट हो सकता है, लेकिन ये पूछ लूं कि अल्टीमेटली जो होल्डिंग कंपनियां हैं, क्योंकि इतने डिस्काउंट पे ट्रेड करती है, 100 रुपए की वैल्यू है, ट्रेड करती है 60-70-80 रुपए डिस्काउंट पे, यानी कि 20-30 रुपए पे, तो अल्टीमेटली इनकी वैल्यू तो 100 रुपए, ये 100 की 100 की वैल्यू कब मिलेगी, जब ये कंपनियां सारी डीमर्ज होकर अलग अलग हो, अगर हो तो। मुझे लगता है ना, ये कहीं ना कहीं ये प्रमोटर्स जो है ना, ये देखेंगे, बिकॉज ये पुरानी कंपनीज 20-25-30 साल, ये BBTC आपको पता है 125 साल पुरानी कंपनी है, पुरानी जो जायदाद होती है ना, पड़ी है तो पड़ी है, कि किसी ना किसी दिन तो ये प्रमोटर सोचेंगे कि भैया हमने इसको रखा क्यों हुआ, और जिस दिन ये करेंगे उस दिन वैल्यू। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का भी बायबैक आया, वो बायबैक कितने पे आया, 50% डिस्काउंट पे आया, वो 80% डिस्काउंट पे चल रहा था, तो उनको भी पता कि मेरा वैल्यू तो है, तो उन्होंने बायबैक कर दिया। सो बड़े ग्रुप्स, मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ा ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप बड़ा होना चाहिए और शेयर होल्डिंग ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज तभी तो प्रमोटर को इंटरेस्ट होगा, नहीं तो प्रमोटर को इंटरेस्ट क्या होगा, अगर 2-5% इक्विटी है तो बोलेगा पड़ी है तो पड़ी है। तो जैसे आप नालवासंस देखो, नालवासंस में प्रमोटर होल्डिंग 55% है, 500 करोड़ का मार्केट कैप है, डिस्काउंट 78% है। इसमें JSW स्टील सबसे ज्यादा है, 2300 करोड़ में 1300 करोड़ JSW स्टील है, और फिर जिंदल सौ है और JSW होल्डिंग है, तो इंपॉर्टेंटली JSW स्टील। पर फिर भी इसमें JSW स्टील उतना ज्यादा नहीं है, 50% ही है, जैसे कम है, 80% था। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी है कि अगर इसके पास कैश फ्लो आया 60 करोड़ का लास्ट 5 साल में, तो ये क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस अपने रिलेटेड पार्टीज को दे देता है। अच्छा, तो ये डिविडेंड लेता है ना, तो डिविडेंड बांट रहे हैं, डिविडेंड बांटता है, वापस इन्वेस्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव है, ये मुझे अच्छा लगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि वो पैसे का यूज भी कैसे कर रहा है। करेक्ट, तो हर एक कंपनी में आपको अंडरलाइंग बहुत जरूरी है, डिस्काउंट जरूरी है, ऑफकोर्स जरूरी है, किस पे खेल रहे हो आप, क्यों खेल रहे हो आप, आप भारत फौज पे खेलना चाहते हो, आप सेंचुरी पे खेलना चाहते हो, आप JSW पे खेलना चाहते हो, और फिर वो पैसे का करता क्या है वो। शेयर होल्डिंग बहुत जरूरी है, जितना क्लियर शेयर होल्डिंग होगा उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक बात है, तो ये दोनों ही आपको ये देखना है कि भाई किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न और क्लियर होल्डिंग होना बहुत जरूरी है। जो पैसा आ रहा है, देखो होल्डिंग अपने पैसा तभी बनेगा अगर प्रमोटर का इंटरेस्ट होगा। प्रमोटर का इंटरेस्ट कब होगा, जब उसका होल्डिंग होगा कंपनी में, नहीं तो प्रमोटर कभी जाएगा नहीं ना। देखो सीधी सी बात है, आप प्रमोटर की तरह सोचो, प्रमोटर को इंटरेस्ट क्यों होगा, अगर मुझे मैं बाबा कल्याणी हूँ या मैं कोई हूँ, तो मुझे पता कि भाई मेरा 4,000 करोड़ का माल उसमें पड़ा है, उसका वैल्यू कुछ नहीं मिल रहा ना, उसको मैं डाइल्यूट कर सकता हूँ ना, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा ना। आज वो महाराष्ट्र स्कूटर बजाज होल्डिंग में इतना वैल्यू क्यों बन रहा है, बजाज ऑटो ग्रुप में मेरे ख्याल में 800 करोड़ का तो बजाज होल्डिंग ले लिया, वो लोग भी ले रहे हैं, उनका डिस्काउंट बजाज होल्डिंग आज की डेट में मार्केट कितना हो गया सर, 40,000 करोड़।
करेक्ट 40,000 करोड़ राइट ये है ठीक है। अच्छा ये तो ये हो गया। अब आप जो बोल रहे हो स्टैंड अलोन बेसिस में भी बिजनेसेस होते हैं, कई होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है लेकिन बाकी बिजनेस भी है, तो उनको कैसे करना है? तो जैसे मैंने बोला एक तो होता है प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एक होती है प्योर कंपनीज जिनका स्टैंड लोन धंधा भी है। तो उसमें आपको पैसा कमाने के दो तरीके हैं, एक तो स्टैंड लोन बिजनेस कि आप स्टैंड लोन बिजनेस भी बुलिश हो, काम अच्छा कर रही है, प्लस आपको एक सेफ्टी नेट भी मिल रहा है ताकि आपका होल्डिंग आपकी उन कंपनी में है। ठीक बात। तो इंडिया में जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज हुआ, बॉम्बे बर्मा हुआ, सुंदरम क्लेटन हुआ, महाराष्ट्र स्कूटर्स हुआ, ईएडी पेरी हुआ, आरामको इंडस्ट्रीज हुआ, ये कंपनीज है जिनका स्टैंड लोन बिजनेस भी है प्लस इनका इनकी ग्रुप कंपनीज में होल्डिंग भी है। ठीक है। और इनमें भी डिस्काउंट 70-75-80% तक हो जाता है। जैसे ईएडी पेरी लगा लीजिए, ईएडी पेरी में प्रमोटर होल्डिंग 45% है और स्टैंड लोन जो है उसका अभी आप आज की डेट में वो 70-72% डिस्काउंट पे चल रही है। बट इसमें अगर आपको शुगर न्यूट्रास्यूटिकल पेस्टिसाइड्स, ये तो स्टैंड लोन बिजनेस हो गया। तो अगर मैं शुगर पे बुलिश हूँ, अगर मैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बिजनेस पे बुलिश हूँ, बिल्कुल, तो ही मुझे ईआईडी पेरी लेना है। बिल्कुल। और उसका 60% होल्डिंग है कोरोमंडल में। कोरोमंडल मतलब फर्टिलाइजर्स। तो आपको ये देखना है कि इसका स्टैंड लोन बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। अगर आप आज उसका 100 करोड़ के आसपास का उसका प्रॉफिट है, ये क्या 100 करोड़ 150 करोड़ बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसका मार्केट में कितना वैल्यू मिल रहा है उसका, प्लस कोरोमंडल कितना ग्रो कर सकता है। हमारा एक काम बढ़ गया, एक तो होल्डिंग कंपनी के हिसाब से जहाँ इन्वेस्टमेंट है उसको कितना डिस्काउंट देना है वो, और दूसरा स्टैंड अलोन बिजनेस कितना कमा रहा है, उसका कितना डेट है, कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा, उसके हिसाब से वैल्यूएशन देना। जैसे हमने किया इसमें, मार्केट कैप जो है इसका 3,800 करोड़ है ईएडी का, उसका स्टैंड लोन डेट जरूरी है। ईवी याद है आपको, मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। यस यस बिल्कुल याद है। तो माइनस कैश, तो डेट पक्का देखिए, स्टैंड लोन का डेट देखना बहुत बहुत जरूरी है कितना है, तो उसके हिसाब से भी है। तो अगर आपको शुगर शुगर स्टैंड लोन बिजनेस जो है पेस्टिसाइड्स वाला, उस पे और फर्टिलाइजर कोरोमंडल में बुलिश, तो आपको ये तरीका है ईएडी खेलने का। बीबीटीसी अभी स्टैंड लोन बिजनेस लॉस मेकिंग है, उसका वो टी एंड कॉफी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का धंधा है, बट वो लॉस मेकिंग करता है। तो अगर आपको आपको लगता है कि हाँ जो जितना बुक वैल्यू उतना मिलना चाहिए, तो आप बुक वैल्यू तक ले लोगे उसका, कि हमें स्टैंड लोन बिजनेस का वैल्यू उतना होना चाहिए। बट इसमें एक ही चीज है खेलने के लिए, वो है 51% होल्डिंग इन ब्रिटेनिया। तो आज उसका मार्केट कैप कुछ जो बीबीटीसी का है, आज ईवी जो है कुछ 9,600 करोड़ की है, पर उसका वैल्यू ब्रिटेनिया में कुछ 38,000 करोड़ का है। तो आज वो 78% डिस्काउंट में मिल रहा है। होल्डिंग कंपनी भी इतनी भारी रकम मार्केट कैप वाली है ना सर, वही तो 9-10 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप, 9-10 हज़ार करोड़। बीबीटीसी मैं बोल बता रहा हूँ, 5 साल पहले ये कुछ 1,000 करोड़ में मिल रहा था, 1,000-1,500 करोड़ में मिल रहा था, और आज 9,000 करोड़ है। मैं वही बोला ना सर, डेल्टा कहाँ बनता है? अगर ब्रिटेनिया इतना नहीं बढ़ा जितना बीबीटीसी बढ़ा, बट वो इसलिए बिकॉज वन द अंडरलाइंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, अंडरलाइंग बहुत अच्छे से बढ़ रहा था ब्रिटेनिया, बहुत अच्छा था। ब्रिटेनिया 6 गुना हुआ और बीबीटीसी 11 गुना हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ कि अंडरलाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग था और क्लियर होल्डिंग है, 51% क्लियर होल्डिंग, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सिंगल इन्वेस्टमेंट, सिंगल इन्वेस्टमेंट है, वादिया ग्रुप अकेला ग्रुप है, 4-5 अलग ग्रुप नहीं है, सीधा इन्वेस्टमेंट है तो उसमें है, सो इसलिए उसका वैल्यू बना। पर ब्रिटेनिया भी 25% कैगर के हिसाब से ग्रो किया। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, और ऑफ कोर्स ये कुछ भी नहीं है कि हाँ भी डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये सब नाम है कि ये प्रोसेस की तरह आपको अंडरलाइन हुआ, डिस्काउंट हुआ, डेट हुआ, डिविडेंड कितना आता है, कितना जाता है, कहाँ जाता है, वो बहुत जरूरी है चेकअप करना हर एक एक कंपनी में, सिंगल सिंगल कंपनी में। अच्छा, इसमें एक और चीज जो आप बार बार एक चीज पे फोकस कर रहे हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग पे, बहुत जरूरी। तो वो प्रमोटर्स की होल्डिंग, इसको जरा थोड़ा डिटेल में समझाइए कि कैसे देखना है, क्या देखना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज प्रमोटर होल्डिंग की वजह से कंपनी को अच्छा या खराब बना सकता है। सर लास्ट हमने ना 2 साल का डेटा देखा इस मोस्टली सब कंपनीज का, तो उसमें ना मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी कंपनी में, चाहे वो बॉम्बे बर्मा, ईएडी, जोहारी ग्लोबल, रामको, पिलानी, नालवा, कल्याणी, इन एक ही कंपनी में है जिसने प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया, वो है कल्याणी इन्वेस्टमेंट। ओके। उसमें 68% से 73.5% कर लिया, अदरवाइज किसी भी कंपनी में ये नहीं है कि हाँ किसी का स्टेक बढ़ा। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है उस चीज में जहाँ पे प्रमोटर खुद स्टेक बढ़ा रहा है। अच्छा, प्रमोटर स्टेक बढ़ाने के लिए आमतौर पे अभी जैसे होल्डिंग कंपनी है, तो जरूरी है कि वो होल्डिंग कंपनी के जरिए बढ़ाए या फिर अलग तरीके से भी बढ़ा सकता है? बढ़ा सकते हैं ना सर, दोनों तरीके से हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है उस तरीके से, दोनों का हो सकता है। लेकिन अगर होल्डिंग, चूंकि हमारा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी में होना है, तो हमें ये देखना है कि इस होल्डिंग कंपनी के जरिए वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे में अगर पिछले 3-4-5 सालों में प्रमोटर ने होल्डिंग कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इसका मतलब ये कि वो न सिर्फ बच्चा कंपनी में बल्कि बाप कंपनी में भी इंटरेस्टेड है। एग्री।
एग्री। सी ये होल्डिंग कंपनी जो होती है ना सर, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपैकर बनेगा, कभी भी उस माइंडसेट से कभी मत लीजिए इसको। क्यों? ये तो हुआ है, आप बता रहे हो बीबीटीसी। मैं वही बोल रहा हूं, वो होता है, बट अगर आप अंडरलाइंग पे अच्छे बुलिश हो ना, तो ये मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में 10% एलोकेशन के हिसाब से होना चाहिए, ताकि द्रविड़ जैसा है। ये कभी अगर आपने 80-85-90% डिस्काउंट पे कुछ लिया होगा जिसका अंडरलाइंग बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें आपका रिस्क बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है, आपका पैसा जाएगा नहीं ज्यादा। आपका जितना आप बढ़ोगे उतना मैं बढ़ जाऊंगा। अगर आप 15-20% ग्रो करोगे तो 15-20% उतना ग्रो करता रहूंगा। हो सकता है डिस्काउंट कम ना हो, हो सकता है डिस्काउंट 90-90% ही रहे या 85-80% डिस्काउंट ही रहे, लेकिन अच्छी मार्केट में अगर 5% डिस्काउंट का फर्क भी पड़ा ना, तो मुझे डबल इम्पैक्ट आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका द्रविड़ स्टाइल है, वो खेलता रहेगा अच्छे से, आपको रन बनाता रहेगा, स्लॉग ओवर में हो सकता है कि हाँ भी वो मैच जिता के चला जाए और बड़ा गेम हो जाए। पहली 50 मारने के लिए ज्यादा बॉल खेलेगा, सेकंड 50 मतलब 0 से 50 में टाइम लगाएगा, 50 से 100 में कम टाइम लगाएगा, 100 से 150 में और कम टाइम लगाए, मतलब जैसे जैसे पिच में जमा रहेगा उसकी रन रेट। इसलिए इसमें सबसे बड़ा इंटेंशन है प्रमोटर का होल्डिंग, प्रमोटर का क्लीन होल्डिंग, प्रमोटर डिविडेंड का क्या कर रहा है, बहुत जरूरी है। वो डिविडेंड भले अमाउंट छोटा हो, अमाउंट कुछ भी हो, डिविडेंड लेके बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी से, यू नो, वो डिविडेंड करके रहे, वो धंधे में डाल रहा है, स्टेक बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वो बहुत जरूरी चीजें हैं। बट इसमें मैं अगेन एंड अगेन ये चीज को बहुत एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि ये ऐसा मत लीजिए कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा लीजिए ताकि आपको पता है कि ये जो आर्बिट्राज है, ये आर्बिट्राज है, ये आर्बिट्राज किसी ना किसी दिन जाके खत्म होगा या कम होगा। और अगर खत्म हो गया तो बल्ले बल्ले आपका ब्रिटानिया भगवान जो भी है, लोग बोल रहे हैं कि बिक जाएगा, आज नहीं 2-5-10 साल में तो बीबीटीसी के तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपको। एग्जैक्टली। अच्छा तो एक चीज, हाँ, इंटरेस्टिंग है, सपोज कोई बच्चा कंपनी है, उसको अगर पूरी तरह से बिकने की संभावना बन जाए, तब तो होल्डिंग कंपनी के मजे हो जाएंगे, हो गए ना, है ना, क्योंकि स्टेक तो उसमें, जैसे स्टेक बिकेगी पूरा का पूरा पैसा। तो आप इसमें बस ये खेल रहे हो कि इसमें डाउनसाइड लिमिटेड है मेरा, और अपसाइड कुछ भी हो सकता है, बट अगर मेरा अंडरलाइन सही है तो होल्डिंग कंपनी खरीद के भगवान से रोज प्रार्थना करें, भगवान इसकी बच्चा कंपनी को बिकवा दे, मेरा काम हो जाए। लेकिन अच्छा, इसमें जब ऐसा है कि आप ये बोल रहे हो कि भाई रिस्क कम है, लेकिन फिर भी रिस्क तो है ना, रिस्क क्या है अंडरलाइन का? अंडरलाइन अगर कल को ब्रिटेनिया ग्रो नहीं करता, अगर कल को भारत फौज ग्रो नहीं करता है, आपने गलत टाइम पे ले लिया, आपने जब भारत फौज लिया, ये कंपनी लिया, भारत फौज था कुछ 1200-1100, लेकिन अगले 2-3 साल तक भारत फौज नहीं चला, तो जैसा बच्चा चलेगा वैसे बाप चलेगा। तो अभी मैं जी समझाऊं कि आपको अगर होल्डिंग कंपनी में पैसा लगाना है, तो पहले आप उसकी सब्सिडियरी कंपनी, बच्चा कंपनी को समझिए, बहुत जरूरी। पहले ये सोचिए कि अगर मुझे स्टैंड अलोन इस सब्सिडियरी कंपनी को खरीदना है, भारत फौज को या कि ब्रिटानिया को, मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। आप वही कर रहे हैं ना, तरीका लग गया बस। लेकिन हाँ, अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भारत फौज या ब्रिटानिया ही मुझे इस भाव से अच्छा लगता है, हाँ जी, मैं ये 3-5 साल के लिए ले सकता हूँ, तब मैं सोचूंगा कि क्या इसकी होल्डिंग कंपनी ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जब होल्डिंग कंपनी आप खरीदने का मन बना ले, तब आपको देखना है क्या है उस होल्डिंग कंपनी में, प्रमोटर्स की स्टेक कितनी है, जो पैसा होल्डिंग कंपनी में आ रहा है, प्रोमोटर क्या उसको डिविडेंड के तौर पर या इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है या इधर उधर कर रहा है, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये जरूरी है कि क्या प्रोमोटर धीरे धीरे अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं क्या। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी, जो हमने पहले देख ली, कि अल्टीमेटली बच्चा कंपनी जो है, सब्सिडी कंपनी जो है, वो अगर अच्छा बिजनेस करेगी तो ही होल्डिंग कंपनी में पैसा बनेगा। तो ये 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल सही है, मुझे तो समझ में आया। बिल्कुल सही है। और कई बार ना आप प्लीज मार्केट में मत सुनिए, बिकॉज बहुत लोग कई स्टॉक चलता है, बोल देते हैं कि उसका उसमें स्टेक है तो ये ले लो। जब तक आपने नंबर नहीं पढ़े हुए ना कि कितना स्टेक है, मैंने बीच में देखा बहुत लोगों ने बोला बहुत कंपनी है, ऐसा नहीं होता। कितना स्टेक है, कितना वैल्यू है, बिकॉज वो जरूरी है। कितना क्लीन स्टेक है, यू नो, 2-5% होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑफ द टोटल वैल्यू। करेक्ट। तो वो बहुत चीजें जरूरी है देखने में। राइट। तो इसमें आपको 5-6 कंपनीज मिलेंगी जो आपको रडार पे रखनी है। ठीक बात है। बट एक प्राइस पे। बिल्कुल। तो हर एक कंपनी की अपने तरीके हैं, अपनी वैल्यू है, और हर एक होल्डिंग कंपनी को